की बार एक ही सपना, बहरोड नंबर वन हो अपना। बहरोड की पहचान आपका भाई बलवान। काम किया है, काम करेंगे, बहरोड का ऊंचा नाम करेंगे। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं संतोष देवी चैरिटेबल ट्रस्ट जखराना। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज सेवा, स्वच्छता और पर्यावरण को समर्पित हर कदम समाज सेवा की ओर। सचिव डॉक्टर शानु राजकुमार यादव। नमस्कार, मैं हूं हनुमान गोयल और आप देख रहे हैं राज 24। आज मिडवे पर अलवर के पूर्व सांसद डॉक्टर करण सिंह यादव ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। गत दिनों बहरोड थाने पर चार लोगों को पूछताछ के लिए बुलाए जाने के मामले में उन्होंने जो कहा वो आप भी देखिए। पिछले दिनों में हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता, प्रदेश DCC के सचिव राजा राम मितेंद्र आदि लोगों को बिना कारण सुबह घर से उठा लिया गया और पूछताछ के नाम पे ले जा करके उनको कोई सम्मानित स्थान पे बिठाने के बजाय सीधा लॉकअप में बंद करना। मुझे बताइए, आप सब स्वतंत्र भारत के पत्रकार हैं, कौन सभ्य आदमी उसकी प्रशंसा करेगा? ऐसे व्यक्तियों को किसी षड्यंत्र के तहत ले जा करके और थाने में बिठाना, नहीं बिठाना ही जुर्म है, लेकिन ले जा के लॉकअप में बंद कर दे, उस वक्त में जनता के पास क्या बच जाता है? मैं धन्यवाद दूंगा बस्तीराम जी को कि उन्होंने जिले के अन्य नेताओं के साथ में मिलकर के वहां पर धरना दिया और अपने साथियों को छुड़वाया। मैं आपके माध्यम से आज कहना चाहूंगा कि आने वाले 3-4 दिनों के अंदर अपनी जांच जो है वो दें, उसके निष्कर्ष निकालें और अन्यथा फिर मजबूर होकर हमें फिर धरने पर बैठना पड़ेगा। मुझे भी आके अपने साथियों के साथ में यहाँ DOSP ऑफिस में आकर के बैठना पड़ेगा। जनतंत्र में तो यही आवाज़ है। माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे, आपकी सरकार तेजी से, नहीं नहीं देखिए सरकार मुख्यमंत्री जी का ध्यान लाएंगे कि इस तरह का प्रशासन जो किसी व्यक्ति विशेष के इशारे पे या विधायक विशेष के इशारे पे काम करे वो कैसे जनता सहन करेगी? सरकार हो तो भी सरकार का भी विरोध करेंगे, सरकार का भी विरोध करेंगे। डॉक्टर करण सिंह यादव के साथ ही बहरोड कांग्रेस नेता बस्तीराम यादव ने भी प्रेस वार्ता करते हुए जो कुछ कहा वो भी देखिए। जांच के बाद में माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, डोटासरा हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय से और सुखजिंदर सिंह जी रंधावा साहब से भी हमने समय लिया है। माननीय डॉक्टर करण सिंह जी, डॉक्टर RC यादव जी, राजा राम जी, मैं और RC यादव जी सब लोग उनसे मिलेंगे और माननीय भंवर जितेंद्र सिंह जी को भी हमने इस घटना से अवगत करवाया है। हमने कहा है कि सिर्फ कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को इस तरह से बिना किसी कारण के जेलों में डाला जाएगा और लॉकअप में डाला जाएगा तो कहाँ प्रजातंत्र रहेगा? सड़कों पर आना स्वाभाविक है, इसलिए हमको मजबूर मत करें कि हमको सड़कों पर आना पड़े। उन्होंने हमारी बात की तायद की। उन्होंने कहा कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से इस बात पे बात करके निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। बहरोड के कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि भाजपा की जाजम पर, भाजपा के मंच के ऊपर आप जैसे कांग्रेस के लोग साझा करते हैं मंच को, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मैंने कहा ना कि हमारे साथ में अन्याय हुआ है, हमारे साथियों के साथ में हुआ, कांग्रेस के लोगों के साथ में हुआ है। हमने पार्टी के मंच पर भी रखा है कि SP से भी, साहब से भी हमने कहा था कि साहब इस SP को यहाँ, इस DSP को यहाँ से रुखसत करें, इस DSP की कार्यशाली से संतरी से लेकर के SHO तक किसी भी थाने का कर्मचारी खुश नहीं है और इस व्यक्ति की वजह से भारतीय जनता पार्टी के लोगों को अनावश्यक रूप से मुद्दा मिल रहा है, इसलिए इसको यहाँ से हटाइए, इसको यहाँ से रुखसत करिए ताकि पार्टी को और सरकार को कटघरे में नहीं आना पड़े। और इस कोशिश में हम भारतीय जनता पार्टी के मंच पे कभी नहीं गए, कभी साझा नहीं किया। हम खुद, हमारे साथ अन्याय हुआ है, हम सड़क पर उतरे हैं, थाने पर धरना दिया है और हमारे धरने के बाद में, हमारे साथियों को छोड़ने के बाद में भारतीय जनता पार्टी के माननीय सांसद महोदय आए हैं, जिसका घटना से, उसके बाद की घटना से हमारा कोई ताल्लुक नहीं, हमको इस बात का कोई इल्म नहीं है। आप सबको पता है कि माननीय सांसद महोदय आने के आधे पौना घंटा पहले ही चारों साथियों को छोड़ दिया गया था और हम कांग्रेस के लोग, डॉक्टर RC यादव जी, बलबीर छिल्लर जी, प्रधान साहिबा, मैं और हमारे साथी राजा राम जी वगैरह सब हम अपने कार्यक्रम में आगे चले गए थे। हमने भारतीय जनता पार्टी के मंच का साझा नहीं किया। उन लोगों ने
गर्म लोहे पर चोट मारने की मंशा से, मुद्दा अपने हाथ में लेने की मंशा से वो आए हैं, जिसका हमें कोई इलम नहीं है। वो हमारे जाने के बाद में उस कार्यक्रम में कूदे हैं, इसलिए आप लोगों से कहना चाहते हैं कि अन्याय हमारे साथ हुआ है, झगड़ा हमारे साथ हुआ है, हमारे लोगों को निरुद्ध किया गया है, हमने धरना दिया है, हमने थाने के सामने इसका विरोध किया है कि अन्याय को बर्दाश्त नहीं करेंगे, आगे भी करेंगे, इस तरह से अन्याय होगा। सर, आपने कहा कि पौन घंटे पहले इनको छोड़ दिया गया था, तो उसके बाद में जो सांसद महोदय डीएसपी के साहब के साथ जो प्रकरण हुआ, उससे आप अपने आप को पृथक मानते हैं? देखिए, मैंने कहा ना भाई, सांसद महोदय कब आए, डीएसपी साहब से कहां बात की, कब की, इस बात का हमको कतई इल्म नहीं है। मोंटी कार्लो का राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा फैक्ट्री आउटलेट शोरूम अब आपके शहर बहरोड में, जहां मिलेंगे जेंट्स, लेडीज और किड्स रेडीमेड कपड़े। भव्य शुभारंभ दिनांक 15 जनवरी को भारी छूट के साथ, सेल अभी चालू है। संतोष देवी चैरिटेबल ट्रस्ट जखराना और भावना बाल एवं पर्यावरण शिक्षा संस्थान खोहर के संयुक्त तत्वावधान में चलाए जा रहे चौथे सिलाई प्रशिक्षण शिविर का समापन किया गया। समापन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा नेत्री डॉक्टर शानू यादव रही। ट्रस्ट की ओर से चलाए जा रहे अनंतपुरा, गुआना, बंथला व माजरी खुर्द में सिलाई प्रशिक्षण एवं ब्यूटिशियन सेंटर में प्रशिक्षित महिलाओं को प्रमाण पत्र देकर आज शिविर का सफल समापन किया गया। इन विभिन्न गांवों में लगभग 200 महिलाओं ने फ्री सिलाई प्रशिक्षण का लाभ लिया। डॉक्टर शानू यादव ने संबोधित करते हुए बताया कि उनकी तरफ से जल्द ही 4 जगहों पर नए सिलाई प्रशिक्षण शिविरों का शुभारंभ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारे समाज की महिलाएं प्रशिक्षित होंगी और आत्मनिर्भर बनेंगी, तब हमारा समाज उन्नति करेगा। इस अवसर पर अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। विनायक हॉस्पिटल कृष्णा टाकिज के पास कोटपुतली क्षेत्र की विख्यात डॉक्टर कृष्णा गुर्जर, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ। अस्पताल में भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, आउटडोर एवं आपातकालीन सेवाएं, डीएनसी, नसबंदी और बच्चे दानी का ऑपरेशन, साधारण जटिल और सिजेरियन द्वारा डिलीवरी, निसंतानता का उपचार, दूरबीन द्वारा सभी प्रकार के ऑपरेशन, 7 मासे और 8 मासे बच्चों के लिए वार्मर वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी युक्त आईसीयू, शिशु रोगों का इलाज और भर्ती सुविधा। विनायक हॉस्पिटल कोटपुतली। बहरोड के एलजी शोरूम के सामने आज मोंटी कार्लो की फैक्ट्री आउटलेट शोरूम का उद्घाटन बसई के महंत रामोदास जी महाराज के द्वारा फीता काटकर किया गया। इस दौरान दिनेश गुप्ता, अशोक गुप्ता, घनश्याम गुप्ता, छत्रपाल गुप्ता, वेद गुप्ता सहित परिवार जनों ने रामोदास जी महाराज का आशीर्वाद लिया। उद्घाटन के अवसर पर क्षेत्र के गणमान्य लोग उपस्थित रहे। गौरतलब है कि मोंटी कार्लो रेडीमेड कपड़ों का जाना माना ब्रांड है। इंदू हॉस्पिटल नीमराणा, राड क्षेत्र का अत्याधुनिक 60 बेडेड और NABH मान्यता प्राप्त डॉक्टर इंदु यादव, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अशोक यादव, पूर्व सर्जन SMH जयपुर और जाने माने डॉक्टर आवेश बाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञ। इंदु हॉस्पिटल में डिजिटल एक्सरे, फार्मेसी, पैथोलैब, ICU, NICU, ऑपरेशन थिएटर, 24 घंटे एम्बुलेंस और आपातकालीन सेवाएं, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, अमूल डेयरी बेनिफिशियरी और सभी प्रमुख TPA सुविधा द्वारा निशुल्क उपचार। आज के बुलेटिन में इतना ही। देखते रहें राज 24। नमस्कार।